हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैंगे जिस स्टॉक में पीछे के 10 दिनों में काफी कुछ देखने को मिला और इस स्टॉक में काफी बड़ी करेक्शन भी देखने को मिल चुकी है और काफी सारे निवेशकों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हमें इस स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए या फिर हमें इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। बाजार में काफी उतार चढ़ाव के बीच में इस पीछे के 10 दिनों के अंदर इस स्टॉक में दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसके बाद स्टॉक के अंदर काफी बड़ी कल के दिन भी गिरावट देखने को मिली। आज स्टॉक जब ओपन होता है तो एक बड़ी छलांग लगाता है पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। अगर हम कुछ स्टॉक के बारे में आज के दिन का ट्रेड देखें तो स्टॉक ओपन होता है 610 रुपए पर और स्टॉक का हाई बनाता है 645 रुपए का और अभी लो भी बन चुका है स्टॉक का 610 रुपए, यानी जहां पर स्टॉक ओपन होता है वहीं पर स्टॉक का लो है। पर अपने हाई से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 25 रुपए की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट क्यों हो रही है, तो पहले कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट जो कि निवेशकों को स्टॉक ने काफी ज्यादा निराश किया है, जहां पर कंपनी का जो रिवेन्यू है वो गिरती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में जो कंपनी का रिवेन्यू थी वो 20,365 करोड़ रुपए था जो कि अब गिर कर 14,429 करोड़ रुपए रह गएगा। तो इस वजह से भी निवेशकों में काफी डर का माहौल बना इस स्टॉक के प्रति। दूसरा कंपनी के प्रॉफिट, जहां पिछले साल कंपनी 357 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था वहीं पर स्टॉक में देखें यानी कंपनी में देखें तो इस बार 634 करोड़ रुपए का लॉस नजर आ रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट से देखें तो लगभग 110% की गिरावट देखने को मिली है, यानी लॉसेस में भी। प्रॉफिट तो छोड़ो, साथ के साथ कंपनी ने लॉस भी जो है वो पिछले प्रॉफिट के मुकाबले दोगुना करते हुए नजर आ रही है। इस वजह से भी इस स्टॉक के अंदर पीछे की कुछ दिनों से गिरावट लगातार देखने को मिली है। पीछे 29 अक्टूबर यानी आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले एक न्यूज निकल कर आती है जहां पर कंपनी को एक जुर्माना लगता है, क्या कहते हैं, लगभग 73 करोड़ रुपए का। ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज थी। इसके बाद स्टॉक में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। कंपनी से एक पॉजिटिव न्यूज यही आप मान सकते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग है वो अभी भी काफी अच्छी मात्रा में बनी हुई है। लगभग 16% से भी ऊपर शेयर होल्डिंग अभी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर के पास हैगा। अगर हम रिटेल की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास ही है, मतलब इन दोनों की जो शेयर होल्डिंग है वो बराबर कह सकते हैं। और वहीं पर प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो काफी बड़ी मात्रा में है। इसलिए अगर स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है तो निचले लेवल पर बाउंस बैक भी उतना ही फास्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक के अंदर नीचे में एक बॉटम बन चुका है 610 रुपए पर। इस पॉइंट पर स्टॉक ने पहले भी एक सपोर्ट लेवल बनाया था और सेम पैटर्न इस पॉइंट पर भी देखने को मिलेगा। स्टॉक 610 रुपए के प्राइस को रीटेस्ट करता है और आज के दिन स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल रही है बड़ी मात्रा में। अब इस स्टॉक में ऊपर में एक रुकावट रेंज देखने को मिलेगा 770 रुपए के पास में, क्योंकि 770 रुपए पर पहले स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। स्टॉक इस प्राइस को रीटेस्ट करने के बाद एक बाइंग देखने को मिल रही थी, पर जब स्टॉक ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है तो वहां पे गिरावट स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा होती हुई नजर आई। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो 610 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 770 रुपए। स्टॉक के अंदर फ्रेश खरीदारी करने का मौका 770 रुपए से ऊपर बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक बार स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो वहां पर तेजी और बड़ी देखने को मिल सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो।